हेलो गाइस, वेलकम टू पाक फार्म लाइफ। धान की फसल जो है काश्त हो चुकी है और इसे 2 वीक्स गुजर चुके हैं, तो अब ये जड़ जो है अपनी पकड़ चुकी है। तो इसमें हमने जिंक और ह्यूमिक एसिड फ्लड किया। उसका ये फ़ायदा हुआ कि एक दफ़ा इसने पानी सारा पी लिया, पानी जो ज़मीन है उसके पोर्स जो हैं खुल गए और उससे इसकी ग्रीनरी ग्रोथ बेहतर हो रही है। अभी हम इसको रेगुलर पानी लगाते रहेंगे और इसको सल्फर यूरिया भी फ्लड करेंगे, तो इससे ये होगा कि इसकी जो ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी कमी पूरी होगी, ज़मीन का जो कड़वापन है वो ठीक होगा और उससे ना सिर्फ धान की फसल बेहतर होगी बल्कि इसके बाद जो गंदम की फसल तैयार होगी वो बड़ी ज़बरदस्त होगी। उसके लिए एक ज़मीन जो है तैयार हो जाएगी। बेसिकली ह्यूमिक एसिड, जिंक, सल्फ़र, ये चीज़ें देने का मकसद है कि ज़मीन को बेहतर करना। जो ज़मीनें कमज़ोर हैं, जो रकबे कमज़ोर हैं, उनमें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे के हम काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, काफ़ी एडवांटेजेस ले सकते हैं। उससे जो ज़मीन के अंदर गड़बड़ है, जो ज़मीन थोड़ी कमज़ोर है, उसको एक ताकत मिल जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।